नमस्कार, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्र पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा लूसेंट सीरीज का पार्ट 21 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ है, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसी है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, यह है वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बायोटेक गार्डन इज लोकेटेड एट व्हिच सिटी। नेशनल बायोटेक जो गार्डन है वो किस शहर में है, तो ये है कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसने कहा जाता है, ये है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है। खासी गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, खासी गारो जनजाति, तो खासी गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज तसांगपो इन तिब्बत। कौन सी ऐसी नदी है जिसे तिब्बत में तसांगपो के रूप में माना जाता है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है, कहाँ, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कांगर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है वो कंट्री जो चारों तरफ से सिर्फ लैंड से घिरी हुई है, उसके आसपास जो है ओशियंस ना हो, तो वैसी कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हड़प्पा साइड माडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। ये माडा जो है हड़प्पा की एक साइड है, जो किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, तो किस नदी के किनारे बसी है, ये चेनाब नदी के किनारे पर बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं, तो ये है दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लैक्स। झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो ये उदयपुर वो शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं। चाइना मैन वर्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। चाइना मैन वर्ड जो है किस खेल से संबंधित है, चाइना मैन वर्ड जो है क्रिकेट से संबंधित है। स्पिनर बॉलर को चाइना मैन बॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून कंप्लीट द वन राउंड ऑफ अर्थ इन हाउ मेनी डेज। ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कुल कितने दिन लगाते हैं, तो यह है 27 डेज प्लस 7 आवर एंड 43 ऑफ मिनट। व्हाट इज द टाइटल गिवन टू द लता मंगेशकर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक। लता मंगेशकर को कौन सी टाइटल दी गई है उनकी म्यूजिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए, योगदान के लिए, तो ये कौन सी है, विश्व मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। My experiment with truth के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो ग्रुप है O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, वह कौन सा उपकरण है जो आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो वह है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, किस राज्य से है, राज्यसभा का वह कौन सा स्टेट है जिसके सबसे अधिक लोग जो है राज्यसभा में उपस्थित है, तो वह स्टेट है उत्तर प्रदेश। कितने कुल कितने सीट है, यहाँ 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है केवल एक ही नागरिकता, डुअल नागरिकता ना हो, जैसे कि अमेरिका में डुअल नागरिकता है, स्टेट की भी है और कंट्री की भी है। इंडिया में केवल कंट्री की नागरिकता दी जाती है, जैसे हम सिर्फ इंडियन हैं, ना कि किसी स्टेट की नागरिकता हमें प्राप्त है, तो वह कहाँ से ली गई है, वो ली गई है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड इज ऑल्सो नोन एज। न्यूजीलैंड के लोगों को और किस रूप में जानते हैं, तो उन्हें हम कीवी के रूप में, कीवीज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये जो तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट है, ये किस राज्य में है, यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इज। पहली महिला फिल्म स्टार जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो कौन थी, तो यह है नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पीएम एक वाणिज्यिक पायलट था, भारत का वह कौन सा पीएम था जो कि पायलट थे, तो वह है राजीव गांधी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।